दोस्तों मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बाजू में बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला दोस्तों कि जिनके जरिए आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पे आप अगर आप अपने फ़ोटो को पोस्ट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपने पोस्ट को यानी कि अपने फ़ोटो को शेड्यूल कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप जब चाहे अपने फ़ोटो को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से एक जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप जब आपको पोस्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस सभी सोशल मीडिया पर आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के जरिए। यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और उस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को आप हैंडल कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन के जरिए। और वहाँ पे आप अपने फोटो को पोस्ट करते हैं शेड्यूल करके, तो आप जब चाहे जिस डेट को सिलेक्ट करते हैं, जिस टाइम को सिलेक्ट करते हैं, उसी टाइम आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे इसे डाउनलोड करना है और कैसे इसे यूज़ करते हैं वो सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है बफर। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आपको इसे ओपन कर देना है दोस्तों। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, आई एम न्यू टू बफर टू लेट सिंगअप, फिर इसके बाद नीचे आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपको पहले से यहाँ पे अकाउंट है तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे नया अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट में है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपको डालना होगा और फिर यहाँ पे न्यू पासपोर्ट क्रिएट करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे न्यू पासपोर्ट क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया है तो मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा दोस्तों यहाँ पे नीचे क्लिक करके दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं स्किप कर देता क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता दोस्तों। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज दोस्तों यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, फिर इंस्टाग्राम है दोस्तों। यहाँ पे आपके जितने भी अपने मोबाइल में सोशल होगा दोस्तों वो सभी यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं फेसबुक पे, यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे आपको ऐड पेज ग्रुप पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने जितने भी यहाँ पे फेसबुक पे आपका जितना भी पेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको पेज सिलेक्ट करना है जो भी आपका पेज है, तो मैं यहाँ पे टेक्निकल सर्विस पे आपको क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी को लिंक करना है तो आप वापस जाके कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने पोस्ट को यहाँ पे आपको लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पोस्ट पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे शेड्यूल या लिस्ट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से आप अगर कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो और वीडियो पे क्लिक करके आपको यहाँ से अपने गैलरी में जाके यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं सिंपल से आपको दिखाने के लिए ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अगर आपको इसे एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके या इस तरीके से क्रोप वगैरह कुछ कर सकते हैं आप जो कुछ करना चाहते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से मैं आपको यहाँ पे क्रोप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आगे शेयर कर देता हूँ दोस्तों। शेयर करने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ शेड्यूल आपको कैसे करना है, यानी कि टाइम और डेट कैसे लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले शेयर नाउ है, यानी कि जैसे शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट नाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल यानी कि टाइम और डेट लगाना है तो आपको शेड्यूल पोस्ट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है, आप जिस डेट को पोस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आज को 22 डेट है तो यहाँ पे मैं 23 डेट सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से आपको टाइम सेट करना है, जो आपको जिस टाइम को आपको पोस्ट शेयर करना है वो आपको यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ मैं 8 AM कर देता हूँ, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आपको देखना है अपने जो भी पोस्ट शेड्यूल किए वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं टुमारो
8 PM। फिर यहाँ पे गुड मॉर्निंग, देखो मैंने जो लिखा था और जो फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट की वो आ गई। कल टुमारो को यानी कि 23 डेट को यहाँ पे 8:00 PM को ये हमारी पोस्ट है वो पोस्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा और आपका पोस्ट पोस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सोशल नेटवर्क पर इस तरीके से शेड्यूल करके आप फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने जो स्टेप यहाँ पे बताया वो आपको फॉलो करना है और इसी तरह आप भी पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कोई सवाल सोचा हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल कितना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।